हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम ब्लड ग्रुप्स की बात करने वाले हैं, जिसमें कि हम हमारे ABO ब्लड ग्रुप और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं जो हमारे दो, उनके बारे में बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ब्लड हमें पता है कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में। अगर बात करें एक हेल्दी पर्सन की, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर्स तक का ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। और कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड की बात करें तो ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स जो पूरे ये प्लाज्मा के अंदर पड़े हुए हैं, और साथ ही साथ इसमें वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और पता नहीं मिलियंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स अलग अलग फंक्शन के लिए, अपने स्पेसिफिक रोल्स के लिए ब्लड के अंदर पड़े हुए हैं, राइट? अब ब्लड ग्रुप पता कैसे चलता है किसी इंसान का, तो इसके लिए 2 सिस्टम्स होते हैं। अगर बात कर ले ABO सिस्टम की, तो कार्ल लिंडस्टीन ने इसको दिया था इन द ईयर 1900। अब उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, ये हम बहुत अच्छे से डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम इतना याद रख लेते हैं कि इन्होंने काफ़ी सारे ब्लड सैंपल्स को मिक्स करके पता चलाया था कि एक्चुअली में ब्लड ग्रुप होता कैसा है, मतलब क्या ब्लड ग्रुप होता है किसी पर्सन का। और सिर्फ किस बेसिस पे बताया था, एग्लूटिनेशन के बेसिस पे। एग्लूटिनेशन क्या होता है कि किसी चीज़ का जुड़ना, जुड़ करके एक झुंड बन जाना, राइट, क्लस्टर्स बन जाना। अगर मैं बात करूँ तो अगर हमें चोट लग जाती है तो हमारा खून खुद ही जो है वो जम जाता है, उस जमने को ही एग्लूटिनेशन कहते हैं, राइट? अब इन्होंने ही ये बताया था कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो 4 डिफरेंट टाइप का ग्रुप्स होता है, ठीक है? जैसे कि ए होता है, बी होता है, AB ब्लड ग्रुप होता है और फिर ओ होता है। इसकी डिस्कवरी के लिए, जो ये ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसकी डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अब जो ये ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किस लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर कोई पर्सन है, अगर उसका ब्लड ग्रुप ए है, राइट, और हमें पता ही नहीं है कि उसका ब्लड ग्रुप ए है, और हम उसको हो सकता है कि कोई भी हमने ब्लड दे दिया, चाहे वो बी वाला हो, चाहे ओ वाला हो, राइट, तो क्या होगा, वहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा और रिएक्शन से उस इंसान की मौत भी हो सकती है। तो इसलिए ब्लड ग्रुप सिस्टम का या ABO सिस्टम का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन है क्या? तो देखिए, सिंपल सी चीज़ है कि अगर कोई पर्सन है, उसको एक्सटर्नल ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, उसकी बॉडी खुद की इतना ब्लड नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, और उसको हमें क्या होता है कि हमें उसको ब्लड देना पड़ता है, एक्सटर्नली बाहर से ला करके देना पड़ता है, तो उसको ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है। अब जो ये हमारा इम्यून सिस्टम है, ये इतना ज़्यादा मैं कहूँ चालाक होता है, तो इसे पता चल जाता है कि फ़ौरन चीज़ क्या है और हमारे खुद की बॉडी की चीज़ क्या है। क्योंकि हमारा खुद का अगर लाइफस्टाइल है, या हमारे आसपास बहुत सी ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर रोज़ एंटर करते हैं और रोज़ हमारी बॉडी उनको किल करती है, राइट? अब जो हम जो ब्लड एक पर्सन को दे रहे हैं, एक्सटर्नली दे रहे हैं, उसके बाद जो रिएक्शंस थोड़े बहुत होंगे, या अगर आपने गलत ब्लड दे दिया तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन होगा, तो जो भी रिएक्शन हो, चाहे हल्का हो चाहे बहुत ज़्यादा बड़ा हो, उसको ही ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। मतलब कि एक्सटर्नली ब्लड को देने के बाद जो उस पर्सन की बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको ही ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहा जाता है। अब अगर आप ऐसा कोई इनअप्रोप्रिएट मैच वाला ब्लड जो है वो उस पर्सन को दे रहे हैं, अगर वो ए पॉजिटिव है और आप उसको बी या AB पॉजिटिव या कोई भी ब्लड दे रहे हैं और वो इमअप्रोप्रिएट है, उसकी बॉडी के साथ नहीं मैच कर रहा है, तो उसकी पर्सन जो है, पर्सन की जो लाइफ है वो खतरे में है, राइट? वो मर भी सकता है, या हो सकता है उसे बहुत ज़्यादा सीरियस कोई बीमारी हो जाए, राइट? अब इसके बाद हमने देखा था कि अब ये जो RBO और ये RH ब्लड ग्रुप्स, ये हैं क्या? हमें पता तो है ये 2 सिस्टम्स हैं, कि एक ABO सिस्टम होता है और एक ये RH सिस्टम होता है। तो ये हैं क्या? तो जब हम किसी
पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप सिस्टम, इनको एग्जामिन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एबीओ सिस्टम को भी और रेसस सिस्टम को भी, जिसको कि आरएच सिस्टम कहा जाता है। अब एबीओ में तो हमें पता है कि चार ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी और ए बी और ओ, राइट। अब इनके अंदर कुछ एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। मेनली क्या होता है, जो हमारी रेड ब्लड सेल है, अगर ये ब्लड है, इसके अंदर रेड ब्लड सेल है और प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन होता है और प्लाज्मा के ऊपर वाइट ब्लड सेल होता है, राइट। और ये वाइट ब्लड सेल क्या है, हमारी इम्यूनिटी के लिए काम करता है, हमारा डिफेंस सिस्टम है, राइट। अब जो ये अलग अलग ब्लड ग्रुप्स हैं, इनके पास कौन कौन सी एंटीबॉडी, कौन कौन सा एंटीजन होता है, वो हम देख लेते हैं। तो जो ब्लड ग्रुप ए है, इसके पास एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी कौन सी होती है, बी होती है, राइट। उसी तरह से ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन कौन सा होगा, बी, और एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए, राइट। उसके बाद ब्लड ग्रुप ए बी है तो यहाँ पे क्या होगा कि बोथ ए बी एंटीजन्स होंगे लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं होगी, राइट। उसके बाद ओ, ब्लड ग्रुप ओ है तो यहाँ पे एंटीजन ना ही ए होगा ना ही बी होगी, लेकिन एंटीबॉडीज़ दोनों होंगी, मतलब ए और बी दोनों एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी, राइट। अब जो ये ए बी ओ ग्रुप सिस्टम है, ये हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तब होता है जब हम या तो ब्लड डोनेट कर रहे हैं या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, क्योंकि ज़रा सी भी मिसमैच अगर ब्लड ग्रुप की हो जाती है तो क्या बन जाएंगे, बॉडी के अंदर क्लम्प्स बन जाएंगे, मतलब कि खून के थक्के जम जाएंगे और इससे इंसान की मौत भी हो सकती है, राइट। या फिर उसको कोई सीरियस डिसऑर्डर हो सकता है। तो इसलिए जो ये ट्रांसफ्यूजन जब भी हम करते हैं तो डोनर और रेसिपिएंट की जो कंपैटिबिलिटी है ब्लड की, या सीधी अक्षरों में अगर कहें तो ब्लड जो है वो मिलना चाहिए, ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं वो सिमिलर होने चाहिए, तभी दूसरे की बॉडी जो है वो एक्सटर्नल ब्लड को एक्सेप्ट करेगी, राइट। अब जो ये ब्लड ग्रुप ओ है, इसको हमें पता है कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एंटीबॉडीज़ दोनों प्रेजेंट होती हैं और एंटीजन कोई भी नहीं होता है, इसलिए ये जो ब्लड ग्रुप है आप किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी ब्लड ग्रुप का हो। लेकिन जो ये एंटीबॉडी ए बी है, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, मतलब कि एक्सेप्ट कर सकती है, खून ले सकते हैं लेकिन डोनेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे एंटीजन दोनों है लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं है, राइट। तो इसलिए ओ ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर्स हैं, दे सकते हैं ब्लड, और जो ए बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है, वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, मतलब कि ले सकते हैं किसी का भी ब्लड, राइट। अब ये आरएच फैक्टर क्या है, तो देखिए आपने सुना होगा कि किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप है वो बी पॉजिटिव होता है, ए पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव ये क्या है, तो इसी ये कैसे पता चलेगा, तो ये आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम की मदद से ही पता चलता है। अब तक हमने ये देखा था कि कौन कौन से एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए होता है, एंटीजन बी होता है, अब एक तीसरा एंटीजन भी होता है जिसे कि आरएच एंटीजन कहा जाता है, राइट। और अगर मैं बात करूँ तो 80% ऑफ द पॉपुलेशन के पास आरएच फैक्टर होता है, आरएच एंटीजन उनके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। इसीलिए आपने बहुत कम ये सुना होगा कि किसी पर्सन का ग्रुप ब्लड ग्रुप जो है वो बी नेगेटिव हो या ए नेगेटिव हो, राइट। अब अगर किसी पर्सन के पास आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब कि अगर ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के पास आरएच एंटीजन है, आरएच फैक्टर उसके ब्लड में है, तो क्या होगा, ए पॉजिटिव होगा उसका ब्लड ग्रुप, राइट। और अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो मतलब ए नेगेटिव होगा उसका ग्रुप, राइट। अब हम जो कार्ल इंडस्टिन का पूरा एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या बताया था, कैसे पता कर सकते हैं, वो जान लेते हैं। तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, एक स्लाइड लेते हैं और उस पर तीन सैंपल डाल दिए हमने सेम ही ब्लड के।
अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एंटीबॉडी चाहिए। तीन एंटीबॉडीज चाहिए, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, राइट। मोनोक्लोनल मतलब बहुत सारी। अब क्या हुआ कि जो ए वाली है आपने इस सैंपल में मिक्स कर दी, बी वाली को सेकंड सैंपल में मिक्स कर दिया और मोनोक्लोनल को थर्ड वाले सैंपल में मिक्स कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी ए है तो ये किस एंटीजन के साथ जाके बाइंड करेगी, बी एंटीजन के साथ जा करके बाइंड करेगी, राइट। एक मिनट, तो हमने क्या किया था, तीन सैंपल्स लिए थे, राइट, और यहाँ पे हमने एंटीबॉडीज इसमें डाली थी ए बी और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। यहाँ पे डाल दी हमने ए, सेकंड वाले में हमने डाल दी बी और मोनोक्लोनल डाल दी तीसरे वाले में। तो अब यहाँ पे जो एंटीबॉडी थी वो थी ए, तो ये किसके साथ जा करके बाइंड करेगी, एंटीजन बी के साथ, मतलब इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी। जो बी वाली एंटीबॉडी है वो किसके साथ जा करके बाइंड करेगी, एंटीजन ए के साथ, मतलब कि इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। जो अगर अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये बाइंड कर रही हैं, तो ग्लूटिनेशन होगी, अग्लूटिनेशन। कार्ल लिंडरस्टीन ने अपना पूरा एक्सपेरिमेंट अग्लूटिनेशन के ऊपर ही दिया था। मतलब कि अगर ए वाले में अगर आपने ए वाला सैंपल डाला और इसमें आपको ग्लूटिनेशन दिख रही है, क्लम्प्स दिख रहे हैं, मतलब कि बी ब्लड ग्रुप है पर्सन का। उसी तरह से आपने जो बी सैंपल डाला था, जो बी एंटीबॉडीज डाली थी, अगर यहाँ पे ग्लूटिनेशन हो रही है, मतलब कि जो पर्सन का ब्लड ग्रुप है वो क्या है, ए है, राइट। अगर दोनों में ग्लूटिनेशन हो रही है फिर तो वहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, राइट। अब अगर ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आपने डाली थी, यहाँ पे अगर ग्लूटिनेशन हो रही है तो मतलब ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर ए बी ब्लड ग्रुप था तो पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि ए बी पॉजिटिव उसका ब्लड ग्रुप है। उसी तरह से अगर ए था तो ए पॉजिटिव हो जाएगा, बी था तो बी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ग्लूटिनेशन नहीं हो रही है तो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप कैसा है, नेगेटिव है। तो अगर ए है तो ए नेगेटिव, बी है तो बी नेगेटिव और ए बी है तो ए बी नेगेटिव, इस तरह से हो जाएगा। अगर इन दोनों में से इसमें भी ग्लूटिनेशन नहीं हुई, इसमें भी नहीं हुई, तो मतलब ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, राइट। और यहाँ पे सेम ही रहेगा, अगर ग्लूटिनेशन हो रही है तो ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव हुआ और ग्लूटिनेशन नहीं हो रही है तो ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव हुआ, राइट। तो यही पूरा एक्सपेरिमेंट था, इसी तरह से हमें पता चलता है कि किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आप याद रखेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो इन द एबीओ सिस्टम ब्लड ग्रुप ओ इज कैरेक्टराइज्ड बाय द, ब्लड ग्रुप ओ कैसे पता चलेगा, तो हमने अभी देखा था कि एब्सेंस होती है किसकी, एंटीजन ए भी नहीं होता उसके अंदर और एंटीजन बी भी नहीं होता है, तो सिंपल सा सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक सर्कमस्टांस दिया हुआ है कि किस, अच्छा एक पर्सन है उसके अंदर एंटीबॉडी और एंटीजन रिएक्शन हो रही है, तो अब पर्सन इन चारों में से क्या सिचुएशन होगी, आपको सिचुएशन बतानी है। तो ये बोल रहा है कि टाइप ए ब्लड इज गिवन टाइप ओ, कि टाइप ए वाले ब्लड वाले पर्सन को टाइप ओ वाला ब्लड दिया जा रहा है। तो हमें पता है कि ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, तो कुछ नहीं होगा उस पर्सन को, मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद है टाइप ए बी ब्लड इज गिवन टाइप ओ, तो ए बी तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, उसको जैसा मर्जी आप ब्लड दे दो, चाहे ए दे दो, बी दे दो या ओ दे दो, तो ये भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद डी वाला क्या बोल रहा है कि टाइप ए बी इज गिवन टाइप बी, तो ए बी में बी तो है ही है, तो अगर आप उसको खाली बी भी दे रहे हो, अकेला बी भी ब्लड ग्रुप दे रहे हो, तो उसको कुछ नहीं होगा, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि टाइप ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है लेकिन एक्सेप्टर नहीं है। तो अगर टाइप ओ ब्लड वाले को आप ए दे रहे हैं तो उसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी और वो पर्सन जो है वो मर भी सकता है, राइट। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि हमारी लाइफ के साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है। तो इसी तरह से हम आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और स्टडी को इसी तरह से इंटरेस्टिंग बनाते रहेंगे।
आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, हमें प्यार देते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कर दीजिए, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़े आप लोगों को, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।